यादगार पलों का मनमोहक साक्षी, नवयुगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फॉर एवरी ओकेजन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डेकोर, एक्सपीरियंस विद लग्जरी, ला फ्लोरा गढ़ रोड मेरठ। यूपी में योगी सरकार है और मेरठ में भाजपा के विधायकों और सांसदों की लंबी कतारें हैं, बावजूद इसके लोग गोक्षी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मेरठ में आए दिन गोक्षी के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला थाना भवनपुर क्षेत्र के सियाल गांव से सामने आया है, जहां देर रात गोक्षी की गई है। यहां देर रात बड़ी मात्रा में गौमांस बरामद हुआ है। गोक्षी से गुस्साए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग थाने पहुंचे और थाने का घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। देखिए थाना भवनपुर क्षेत्र के सियाला गांव से देर रात बरामद गौमांस की कुछ तस्वीरें। अवशेष थे, हमने कहा कि भाई सुबह दबा देना इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुबह ना दबाने की वजह इंस्पेक्टर साहब ने रात ड्रिंक कर रखी थी और मेरे साथ भी बदतमीजी से बातें करी। उसके बाद में जो हमारे हम पांच लोग संगठन, पांचों के साथ में बदतमीजी से बात करी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास आप सुन सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।